राखी सावंत ने दोस्तों कर दी है घटिया गंदी बात। राखी सावंत ने तेजस्वी प्रकाश के कैरेक्टर को इस तरीके से असैसिनेट किया है कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी सचमुच में दंग रह जाएंगे कि इतना गंदा कैसे सोच सकती है राखी सावंत। आइए इस वीडियो में बताता हूं कि कैसे राखी ने तेजस्वी का चरित्र हरण किया है। स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो दनादन फॉलो भी कर लें। राखी सावंत की बात करें अगर दोस्तों, तो हम सबको पता है कि राखी सावंत किस हद तक जाती हैं एंटरटेनमेंट के मामले में। अगर वो 100 रुपये का टॉक टाइम भरते हैं राइट हम लोग, तो वो 500 रुपये का हमें टॉक 100 रुपये भरते हैं तो वो 500 रुपये का टॉक टाइम देती हैं, मतलब कि उनका हिसाब किताब कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर कल के दिन उन्होंने जहाँ पर तेजस्वी को वॉशरूम में जब वो पॉटी के लिए गई थी तब उस वक्त उन्होंने फ्लश नहीं किया था, उसके लिए उन्होंने तेजा को जिम्मेदार ठहराया। वहीं साथ ही साथ अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर तेजस्वी प्रकाश ने को एक बार फिर से राखी ने टारगेट किया है। बता दूँ आपको तो राखी और राखी जो है बेडरूम में बैठी है, सामने तेजा है और करण है, और देवो की तबीयत खराब थी तो प्रतीक वहां पर ही बैठा हुआ था। अब यहाँ पर तेजस्वी ने करण के पेट पे हाथ रखा था तो रजाई से देख कर राखी ने बोला कि तेरा हाथ कहाँ पर है तेजा, तो वो बोलती है कि करण के पेट पे, ठीक है। तो वो क्या कहती है राखी सावंत, आर यू श्योर करण के पेट पे है कि कहीं और है, मतलब आप समझ जाइए कहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर राखी सावंत को लेकर ये बात कहती है, यहाँ पर तेजा कहती है कि यार राखी जी आप कुछ भी बोलती हो, क्यों इस तरीके से आप कुछ भी बोलती हो, है कितना घटिया बोल देती हो आप। तो इस पर वहां पे प्रतीक बैठा होता है, प्रतीक बोलता है कि राखी ये तो हाइट्स है, तुमने ना एक अलग ही बदतमीजी खोल रखी है, क्योंकि यहाँ पर वो जितने अच्छे दोस्त हैं वो इतने अच्छे समझदारी के साथ रहते हैं और वो ऐसी घटिया हरकतें नहीं कर सकते हैं। तो राखी सावंत को यहाँ पर प्रतीक सहजपाल ने भी लताड़ दिया। आपको क्या है कहना, कॉमेंट कीजिए, बताइए, बने रहें चैनल के साथ। हालांकि करण ने यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, सो फटाफट कॉमेंट कीजिए, चलता हूँ, अपना ख्याल रखें।